हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ डिस्कशन करेंगे स्विंग ट्रेड के बारे में। फ्रेंड्स, ये स्विंग ट्रेड के लिए अभी मैं 5 स्टॉक सिलेक्ट किया हूँ। ये स्टॉक को अभी करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय करके चल सकते हैं, जो भी आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। इसको एक साल में आपको 50% तक रिटर्न मिल सकता है। आप अगर हमारा चैनल पे रेगुलर व्यू करते हैं, मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक जरूर होना चाहिए और होगा भी, आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहेगा, क्योंकि आप अगर रेगुलरली व्यू करते हैं स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक चीज बता दूं, आज कोई आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं बताऊंगा, लाइक के लिए नहीं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए अभी मैं एक चीज बताता हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये जो आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक से एक जर्नल शीट रखना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप एक शीट बना के रखेंगे तो उसी में आप एंट्री करेंगे कि कौन सा लेवल पे आपने एंट्री लिया, कौन सा प्राइस पे आपने एंट्री लिया और कितने का इन्वेस्टमेंट किया, क्वान्टिटी आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उस हिसाब से आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आपका प्रॉफिट हो जाता है उस टाइम पे उसको क्या करेंगे, आपका जो रेगुलर जो ओपनिंग प्राइस है, मतलब जो अभी ट्रेडिंग नॉर्मल चल रहा है, तो वहां से हटा के उसको और एक जगह पे पेस्ट करके रख देंगे। ठीक है, कि आपको वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ठीक है, यहां से आपको प्रॉफिट आ चुका है, यहां पे आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो इसको अलग करके लिख देंगे और यहां पे एक प्रॉफिट का सेक्शन अलग रहेगा और वहां पे एक जो कंटिन्यू चलता है उसका एक सेक्शन अलग रहेगा, ताकि आपको एक आसान रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट से स्विंग ट्रेड में कितना परसेंटेज का गेन ले रहे हैं और अभी आपका पोजीशन कितना चालू है, ऊपर का जो पोजीशन रहेगा आपका चालू रहेगा, आपका कितना परसेंटेज का गेन आ रहा है, कितना परसेंटेज लॉस से ऊपर दिखाएगा, और नीचे का जो पोजीशन रहेगा, जैसे जैसे आपका प्रॉफिट आता जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से वो स्टॉक को डिलीट करेंगे, डिलीट कीजिए या तो फिर कट कर लीजिए, कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट करके फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट सेक्शन लिख देंगे कि यहाँ पे इतना परसेंटेज का प्रॉफिट मिला, इतना दिन में मिला। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि आपने कितना दिन में कितना परसेंटेज का गेन लिया है। आप जो एक साल का डाटा रखेंगे, एक साल का डाटा आपके पास में रहेगा, एक डाटा रहेगा तो आपको एनालिसिस करने के लिए इजी रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट में कितना परसेंटेज का गेन ले रहे हैं स्विंग ट्रेड करके, आपको एक बढ़िया सा ये रहेगा। और दूसरा चीज, आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे एक्सेल शीट में आप अपडेट कीजिए, आपने कितना कितना अमाउंट स्टॉक मार्केट में ट्रांसफर किया और आज के डेट पे आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या है। ठीक है, कितना परसेंटेज का करंट पोर्टफोलियो है, तो वहीं से आपको परसेंटेज गेन मिल जाएगा, क्योंकि आप अगर पोर्टफोलियो को देखेंगे ना, वहां से आपको बेसिक नॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब एक्चुअल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पे तो हमेशा आप सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ते जा रहा है ना, तो इसीलिए आपको ये दोनों चीज़ अगर ट्रैक करेंगे तो इंडिविजुअली आपको एक बढ़िया सा नॉलेज मिलेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज ग्रोइंग हो रहा है। अगर आप वहाँ से पोर्टफोलियो का ग्रोथ देखेंगे तो आपको परफेक्ट डाटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया, उसके बाद में री इन्वेस्टमेंट किया, तो वहाँ पर परसेंटेज तो कम हो जाएगा ना, तो इसलिए आप इसके लिए एक्सेल शीट बनाइए तो आपको बढ़िया सा एक नॉलेज मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी जो बात करेंगे पहला स्टॉक के बारे में, फ्रेंड्स ये सिंफोनी में आपका पोजीशन होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक 46% का गेन मिल सकता है, इजीली मिल सकता है फ्रेंड्स, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। एक बढ़िया सा मार्केट लीडर कंपनी है सिंफोनी, हर किसी का घर में कूलर रहेगा, हर किसी का घर में इनका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। अगर इसका हम रिजल्ट भी देखेंगे, अभी रिजल्ट भी आ चुका है, रिजल्ट देखिए, जो कि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट सितंबर में 191 करोड़ का सेल्स था, अभी का क्वार्टर में 222 करोड़ का सेल्स है। अगर हम प्रॉफिट देखेंगे, लास्ट क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी का क्वार्टर में 30 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट बढ़िया सा यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर का होल्डिंग देख लीजिए, 73% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, FII के पास में 4% का होल्डिंग है, DII के पास में 9% का होल्डिंग है, पब्लिक के पास में ओनली 13% का होल्डिंग है, उसमें से फिर 3% चला जाएगा, तो ओनली बचता है 10% पब्लिक के पास में होल्डिंग है। तो ऐसा बेहतरीन स्टॉक में अगर आप बने रहेंगे ना स्टॉक मार्केट में, आपको बढ़िया सा गेन मिलेगा, जो कि मैं हमेशा 30-40% की बात क्यों करता हूँ, ये सब स्टॉक में आप बने रहेंगे ना, कभी भी एक हफ्ते में आपका टारगेट अचीव हो सकता है। देखिए, अगर आज का दिन का हो, अगर हम डिलीवरी देखेंगे स्टॉक में कितना परसेंटेज का डिलीवरी उठाया गया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 48% का डिलीवरी उठाया गया है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो में बना रहा हूँ 11 बजे शाम को बना रहा हूँ, 11 तारीख का, तो मतलब आपको 12 तारीख सुबह पोस्टिंग करूंगा, तो इस हिसाब से तो ये आपको 11 तारीख का डाटा मिल रहा है।
ठीक है, तो अभी चलेंगे तो ये स्टॉक में देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन काफी दिन तक चलता है जब, लेकिन ऑपरेटर जहाँ पे एंट्री करता है ना, देखिए उसको कितना दिन लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6 दिन आप 6 दिन में आपका टारगेट अचीव कर लिया, मतलब 1 हफ्ते में आपका टारगेट अचीव हो रहा है, तो आप बने रहेंगे अच्छा सा स्टॉक में, किसी भी टाइम पे आपको एक बढ़िया सा रैली आएगा उस टाइम पे आपका टारगेट अचीव, ठीक है। तो आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करके रखिए, वहाँ पे GTD ऑर्डर सेट कीजिए, तो आप बढ़िया सा, आप उस टाइम पे जॉब पे होंगे आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपने GTD ऑर्डर सेट किया ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा वीडियो भी कभी कभी टाइमली नहीं आ पाता है, इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि मैं एक्चुअल मैं 100% स्टॉक मार्केट पे ये नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में 4-5 घंटे की मुझे टाइम मिलता है, मैं यहाँ पे ट्रैक करके ये सब चीज़ कर पाता हूँ, क्योंकि मैं 100% यहाँ पे नहीं, मैं कुछ जॉब भी करता हूँ इसके साथ में, ठीक है, मेरा कुछ जॉब भी है, तो उसी हिसाब से मैं जॉब के साथ में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूर करता हूँ, ट्रैकिंग जरूर करता हूँ, लेकिन 100% स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी मेरा वीडियो लेट आ जाता है, ठीक है ना, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं टाइमली 100% यहाँ पे नहीं दे पाता हूँ, कभी कभी मेरा कुछ बाहर काम रह जाता है, तो कहीं पे मीटिंग वगैरह रह जाता है, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, आपको वीडियो में टाइमली कभी कभी एक हफ्ते में 1-2 दिन आपको लेट हो जाता होगा, ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो अभी पहला वीडियो ये है, पहला स्टॉक ये है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक बढ़िया सा रिटर्न आपको मिल सकता है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है, मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको ये भी मैं भरोसा देना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे खुद का एनालिसिस पे करेंगे, मेरा कहने पे नहीं, अगर लॉस होगा तो फ्रेंड्स मैं क्लियरली बोलता हूँ आपको ही लॉस होगा, मैं बोल देने से मैं जितना भी बोलूँ, लेकिन जब लॉस होगा ना उस टाइम पे होल्ड करना बहुत जरूरी है, आप अगर होल्ड कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में तो फिर आप पैसे कमा पाएंगे, ठीक है ना, तो आपको होल्ड करना जरूरी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है, आप जितना बार मुझे बोलेंगे कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया था, मैंने एक स्टॉक में इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया मुझे लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार रहेंगे, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पहले शुरुआत में मैंने भी ऐसे गलती किया हूँ, गलती से मैं ही सीखा हूँ, तो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन रखिए, हर एक स्टॉक में आपका ज़्यादा कभी भी अलॉटमेंट मत दीजिए, आपको लालच आ जाएगा कि ये स्टॉक में 50% 100% का गेन बोल रहे हैं सर, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ पूरा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, हर एक स्टॉक में आपका 5% 3% इन्वेस्टमेंट रखिए, तो बढ़िया से आपको कोई एक स्टॉक अगर रैली भी नहीं दिखाए 1 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं, बाकी स्टॉक में टारगेट अचीव हो ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसमें हमें डाउट भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देखिए कितना परसेंटेज करेक्शन पे मिल रहा है, ये स्टॉक को आप स्विंग ट्रेड के लिए लेके चल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो भी मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक है, ठीक है, अगर आपको पोजिशन बनाना है इस लेवल पे पोजिशन बना के चल सकते हैं, जो कि 800 का लेवल, ठीक है, अभी स्टॉक आ सकता है 800 का लेवल, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इतना बड़ा सा जब कंसोलिडेशन दिखाया है 800 का लेवल पे जरूर आएगा, आप बिल्कुल नजर बना के रखिए, GTD ऑर्डर सेट करके रखिए बाय के लिए, तो यहाँ पे 800 का लेवल पे बिल्कुल बाय करके चलिए, एक मल्टीबैगर स्टॉक है, आपको बढ़िया से रिटर्न देगा, अगर हम देखेंगे इसका रिजल्ट भी आ चुका है IRCTC में, फ्रेंड्स IRCTC में अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए 159 करोड़ का अभी सेल्स आया है, सॉरी प्रॉफिट आया, जब पिछले सितंबर में अगर देखेंगे 33 करोड़ का सेल्स था, सेल्स में तो बढ़िया सा बढ़िया सा एक इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि अभी धीरे धीरे सब अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे ट्रेन वगैरह चल रहा है, तो इसीलिए बढ़िया सा प्रॉफिट यहाँ पे आने की बहुत उम्मीद है, ठीक है, अभी 405 करोड़ का सेल्स भी हुआ है, ठीक है, अभी अगर देखते हैं प्रमोटर का होल्डिंग देख लीजिए 67% का होल्डिंग है, जो कि साउंड है, तो इस हिसाब से FII के पास में 7.8% का होल्डिंग है, और DII के पास में 8.48% का होल्डिंग है, स्टॉक में अभी स्प्लिट भी आया है, ठीक है, बढ़िया सा स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें हम स्विंग ट्रेड करेंगे, अच्छा सा गेन लेंगे, हमें मुझे लगता है इस स्टॉक में इतना दिन भी नहीं लगेगा, हमें 6 मंथ्स में इसका टारगेट अचीव हो सकता है, हम 800 का लेवल पे बाई करेंगे और यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक ट्रैक करके चलेंगे, जो कि हमें 59% का गेन मिल जाएगा, अगर 1 साल भी होल्ड किए हमने 59% का गेन मिला कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे, एजिस लॉजिस्टिक, फ्रेंड्स एजिस लॉजिस्टिक में बिल्कुल आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको डरने के रीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपर का लेवल पे अगर आप फंसे हुए हैं तो फिर भी होल्ड कीजिए, एक मल्टीबैगर स्टॉक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शॉट में आपको 80% का गेन मिल सकता है, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कितना दिन लगेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई इतना मतलब परफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा एक कंसोलिडेशन आया है, तो कितना मंथ से कंसोलिडेशन आया वो भी तो देखिए, कितना मंथ से वो कंसोलिडेशन हुआ है वो एक बार टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 123 डेज लगाए कंसोलिडेशन में, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम 5 मंथ्स लगाए 4 मंथ्स लगाए, जहाँ पे इतना बड़ा सा कंसोलिडेशन, आपको इसका टारगेट
चलने के लिए भी आपको 4 मंथ्स 5 मंथ्स लगेगा, ऐसा नहीं कि इजीली आपको 2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4-5 मंथ्स लग सकता है, लेकिन आपको गेन कितना परसेंटेज मिलेगा फ्रेंड्स, वो भी तो देखिए। 80% का गेन मिल रहा है एक ही शॉट में, एक साल में अगर 80% का गेन मिल जाता तो क्या बुरा है फ्रेंड्स। क्योंकि इसका मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ये स्टॉक में है इसलिए मैं सिलेक्ट किया हूँ, इसका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। देखिए यहाँ पे 94 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया है, और यहाँ पे पिछला सितंबर में 57 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर में भी बढ़िया सा ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं यहाँ पे भी एक बढ़िया सा ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। अगर प्रॉब्लम होता तो मैं जरूर आपको अलर्ट करता, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा आपको इसमें फंसा के मुझे कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए 75% का डिलीवरी फ्रेंड्स उठाया गया है, तो कुछ तो है ना रीजन, तो इसलिए तो ये स्टॉक में डिलीवरी उठाया जा रहा है ना। तो इस स्टॉक में पोजीशन बना के चलिए इमीडिएटली, अगर आपको पोजीशन बनाना है, अगर आपका पहले का होल्डिंग है तो होल्ड करके चलिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि नेक्स्ट स्टॉक, अभी थोड़ा सा अभी सिस्टम स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, एक मिनट। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि पीजीएचएल है फ्रेंड्स। अगर पीजीएचएल में आपका पोजीशन है आज के दिन में, मतलब 11 तारीख को इसका रिजल्ट आया है, अगर हम रिजल्ट एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए पीजीएचएल का रिजल्ट आ चुका है, तो इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे 273 करोड़ का जो सेल्स हुआ है, पिछला क्वार्टर में 264 करोड़ का सेल्स था, सेल्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे, पहले 59 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, अभी 55 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं 34 से 55 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस स्टॉक में आप पोजिशन अगर बने हुए हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी सारा फ्रेंड्स बने हुए हैं, तो आप बने रहिए, आपको अभी बिल्कुल पेशेंस खुरा नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त क्या करेगा यहाँ पे ऑपरेटर बिल्कुल भगा के लेके जाएगा, ठीक है। आपको इस कैंडल में जब यहाँ पे इतना बड़ा सा फॉल लग रहा है, आपको डर तो जरूर आएगा, लेकिन इस स्टॉक में आप बने रहिए, आपको लॉस में सेल मत कीजिए। आप कितना स्टॉक से लॉस में सेल करेंगे, क्योंकि एक मल्टीबैगर स्टॉक है, यहाँ पे लॉस में सेल करने का कोई रीजन नहीं है ना। अगर देखेंगे, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे कितना परसेंटेज का यहाँ पे स्टॉक ने मतलब डिक्लाइन हुआ है, एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 3.3% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिया, 180 पॉइंट का यहाँ पे डिक्लाइन है। बने रहिए इस स्टॉक में, बने रहिए, बढ़िया सा स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आरती ड्रग्स है फ्रेंड्स। आरती ड्रग्स में अगर आपका पोजीशन है तो आप लॉस में सेल मत कीजिए, यहाँ पे अभी किसी भी वक्त एक बढ़िया सा रैली आ सकता है। अगर आरती ड्रग्स की हम बात करेंगे, इसका रिजल्ट भी आ चुका है, इसमें किसी भी वक्त एक बढ़िया सा रैली आ सकता है। देखिए यहाँ पे 580 करोड़ का सेल्स आया है, सेल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम प्रॉफिट देखते हैं, 75 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, अभी प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, जो कि 43 करोड़ का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन तो जरूर आया है, लेकिन अगर स्टॉक में आप बने रहिए तो आपको एक अच्छा सा गेन मिल सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक में इमीडिएटली ये लेवल तक जरूर जा सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है ना स्टॉक में, ये लेवल कभी भी आ सकता है। ये जो 800 का लेवल है, इसमें आरती ड्रग्स में शॉर्ट टर्म में 800 का गेन आपको मिल सकता है, जो कि 40% का गेन है। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया तो भी पोजीशन बना के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 40-45% का गेन आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे मल्टी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे अगर 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स अगर रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इतना परसेंटेज का गेन मिल सकता है, ठीक है। आरती ड्रग्स में भी आप पोजीशन बना रही है, आप लॉस में सेल मत कीजिए, ठीक है। ये 5 स्टॉक था, ये 5 स्टॉक में अगर आपका पोजीशन बना हुआ है तो आप होल्ड कीजिए। अगर पोजीशन नहीं बना हुआ है तो भी पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि पहला स्टॉक है सिम्फोनी है, दूसरा स्टॉक IRCTC के बारे में बात की, जो कि एक मल्टीबैगर स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक है, जो कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। अगर PGHL देखते हैं, PGL भी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है आरती ड्रग्स, सारे 4 स्टॉक जो कि स्मॉल कैप स्टॉक है, एक स्टॉक जो है लार्ज कैप स्टॉक है IRCTC।
ठीक है, तो आप अपने आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करके तो आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आप साल में इस स्टॉक में अगर पोजीशन बनाया ना, आपको 40% तो आपका कहीं नहीं गया, 40-50% बन ही जाएगा। किसी स्टॉक में आपको 70% मिल सकता है, किसी स्टॉक में आपको 35% मिल सकता है, ऐसे आपका ऑन एन एवरेज जो है 30-40% इजिली बनेगा। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में बने रहिए, बढ़िया सा गेन लेते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आप करोड़पति बन जाएंगे। कोई पेशेंस का खेल होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप ये जो एक्सेल शीट है ना, आप जरूर अपडेट कीजिए, ऐसे ऐसे एक्सेल शीट बनाइए ताकि आपको परफेक्ट पिक्चर मिलेगा कि आपने कितना परसेंटेज का, कौन सा स्टॉक में कितना परसेंटेज का गेन लिया, कितना दिन में गेन लिया। ठीक है, वहाँ पे एक परफेक्ट फिगर आपको मिल सकता है, आप कितना मंथ में आपको कितना परसेंटेज का गेन आया, कौन से स्टॉक में कितना दिन में कितना परसेंटेज का गेन आया। वो एक एक्सेल शीट अगर जनरल बुक बनाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट में आपका ये जो प्रोसेस है ना, आप लाइफ टाइम के लिए करके चल सकते हैं। आपका आइडिया भी रहेगा, डाटा अगर आपके पास में रहेगा, 5 साल के बाद भी ओपन करेंगे आपको पता चलेगा कि इस साल में मैंने इतना परसेंटेज का गेन लिया, इस स्टॉक में इतना परसेंटेज का गेन लिया, कौन से स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था, सारे स्ट्रैटेजी भी लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लग सकता है, एक दिन में 5-10 मिनट 15 मिनट अगर टाइम देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा सा आप सारे चीज को मेंटेन करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।